अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है कि आपके पास जो कली है राइट, उसको आपको पता है कि टू कलीज को पहले कट करवाना है टेलर के पास से, देन आफ्टर उस पे आपको सिलाई लगवा लेनी है। देन ऐसे आपको कली को रखना है प्रॉपर मेजरमेंट में। देन आफ्टर आपका जो ड्रॉइंग है राइट, वो और कार्बन पेपर, ये दोनों चीजें रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कार्बन पेपर आएगा, आपको पहले मार्क कर लेना है प्रॉपर मैनेज जो हो जाएगा ना। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने हमारा जो ड्राइंग कंपार्टमेंट है, प्रिंटिंग कंपार्टमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से देख लेना है कि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद वो प्रॉपर करेक्शन में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे रहे होना चाहिए। इसीलिए अभी आपको यहाँ से पिन निकाल लेना है और वो संभाल के रख देना है, क्योंकि आप दूसरी कली करोगे तभी आपको यही पिन काम आएगी। देन आपको इसे सी आपका ये प्रिंटिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ कलरिंग ही करना है। ओके सो लेट्स स्टार्टिंग कलरिंग। बट उसके लिए आपके पास जो रिंग होगा उसको आपको पहले इसमें लगाना होगा। आपके पास रिंग नहीं है सो न्यूज़पेपर होगा तो उसको इसके नीचे रख देना है, ताकि जो दूसरी कली है वो डैमेज ना हो, उसमें कलर ना लग जाए। लेकिन मेरे पास ये रिंग है सो मैं उसका ही यूज करूंगी, क्योंकि इस रिंग में ये क्लॉथ है वो टाइट रहेगा। ओके सो आपके पास रिंग है तो आप पहले वो लगा लीजिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रिंग लगा दी है और क्लॉथ कितना टाइट रह रहा है, सी। ओके सो लेट्स स्टार्टिंग पेंटिंग। अभी हमारा ये जो ऊपर का पार्ट है वहां से हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जो डांडिया है वो डेकोरेशन का है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो लास्ट में करेंगे, इसलिए अभी जो पहला कलर आता है वो स्किन कलर आता है। बट आपके पास जो मैंने नैपकिन रखने को कहा था वो आपको अपने पास ही रखना है। ओके एंड देन आपके पास जो स्मॉल 4 नंबर का ब्रश है वो आपको यूज करना है। ओके दिस इज अ 4 नंबर ब्रश, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। सी आपको यहाँ पे वाटर नहीं लेना है, फैब्रिक का एक रूल है कि उसमें वाटर यूज नहीं होता है फैब्रिक कलर में, और ये वॉशेबल भी है। आप इसको हाउस आपके घर में वॉश करोगे तो ये इजीली वॉश हो जाएगा और इसमें से कलर बिल्कुल नहीं निकलेगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि इस कपड़े जब भी आप कपड़ा लेकर आओ तो तभी उसको आपको वॉश कर लेना है, एंड देन आफ्टर आपको उस पर आयन इट मीन्स इस्त्री कर देनी है, एंड देन आपका पेंटिंग हो जाए उसके 24 आवर्स बाद आपको फिर से इसमें आयन करना होगा। सो उसमें क्या होगा कि आपका पेंटिंग है वो लंबे समय तक रहेगा, उसमें से निकलेगा नहीं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैंड का पार्ट करेंगे, जो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आप वैसा करना चाहे तो भी कर सकते हो कि स्किन कलर में जितने भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे उसका हैंड है, यहाँ पे भी है, ये उसका फेस, ये उसका हैंड राइट। सो आप वैसा भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कलर पहले करना चाहो तो आप वैसा कर सकते हो, और ये जल्दी सूख भी जाएगा। सो उसकी जो बॉक्स इट मीन्स की जो उसकी बॉटल होगी उसको आपको ढक के रखना होगा, क्योंकि फैन के नीचे वो बहुत ही जल्द सूख जाएगा। सी ऐसे आपको पेंट करना है विदाउट वॉटर। सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्किन पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है राइट। अभी जो ब्रश है ना उसको आपको प्रॉपरली बाउल में वाटर है उसमें आपको प्रॉपरली वॉश कर लेना है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या आपका ब्रश है वो बिगड़ ना जाए। और जो आपके पास क्लॉथ है उसमें
ऐसे रब करके प्रॉपर ही वॉश कर लेना है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा भी वॉटर रह गया, कलर रह गया, सो आपका दूसरा जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा ना पेंटिंग का वो बिगड़ जाएगा। इसलिए सो सी मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया है जो स्किन पार्ट आता है वहां पे, राइट। देन ये तो ब्लैक कलर है, इसमें आपको आउटलाइन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। अभी ये पार्ट जब तक सूख रहा है तो अभी जो दूसरा पार्ट यानी कि उसका जो ब्लाउज है वो हम कलर करेंगे। ये सो सारा पार्ट आता है ना वो ब्लाउज का है, सो हम उसको कलर करेंगे। उसके लिए हम लेंगे लेमन येलो कलर, उसका हम यूज करेंगे। ओके सी यहाँ पे ऐसे आपको लेना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये लेमन येलो वाला जो ब्लाउज है वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। अभी उसके बाद यहाँ की जो उसकी ग्रीन चुन्नी है वो और लहंगा हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीन चुन्नी के लिए जो ग्रीन कलर आता है वो लेंगे, ओके। लाइट ग्रीन कलर हम लेंगे, हम उसकी स्टार्टिंग है ना वो यहां से करेंगे। सी ऐसे, और इसके साथ इसके बाद ही हम उसका लहंगा है वो भी ऐसे ही रेड कलर से वो कंप्लीट। सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी डॉल है उसका कलरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम विद द हेल्प ऑफ टू क्यूब्स हम इसको डेकोरेट करेंगे, ओके। सी आप इस तरह से एक लुक यूज करके डिफरेंट टाइप के पैटर्न दे सकते हैं और आपकी जो डॉल है उसको डेकोरेट कर सकते हैं।